दोस्तों कभी कभी कुछ गैजेट्स की टेक्नोलॉजी को हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो एकदम फ्यूचर से आए हैं, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी, उनका काम करने का तरीका सब कुछ इतना ज्यादा एडवांस होता है कि हमें कभी कभी अचंभा होता है उनके काम करने के तरीकों को लेकर। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक मिसाल होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस 10 गैजेट की सीरीज में आपको मिलने वाले हैं एक के बाद एक तगड़े गैजेट। तो जानने के लिए इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखते रहिएगा, क्योंकि सबसे आखिरी में बैठा है इस लिस्ट का एकदम नंबर 1 गैजेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस नंबर 10 के साथ। नंबर 10, स्पीडी लिफ्ट व्हीलचेयर लिफ्ट। दोस्तों नॉर्मल लोगों के लिए कार चलाना कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए कार चलाने की बात तो बाद में आती है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कार तक सेफली पहुंचना। तो हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में आपको कुछ इस तरीके की कार देखने को मिल जाए जो कि बहुत ही ज्यादा सेफली हैंडल करती है ऐसे लोगों को। दोस्तों ये एक लिफ्ट मैकेनिज्म होता है जिसे कि आपको अपने कार में इंस्टॉल कराना होगा, जिसके बाद फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी। बस उनको एक बार इसमें बैठना होता है, जिसके बाद ये पूरी लिफ्ट खुद ब खुद उन्हें कार के अंदर पहुंचा देती है, और बाहर आने के लिए भी आपको सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करना होगा, जिससे आप आसानी से कार के बाहर आ सकते हैं। तो इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा एडवांस हो जाता है, जो कि फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इस फ्यूचरिस्टिक गैजेट के लिए दोस्तों एक लाइक तो जरूर से बनता है। नंबर 9, एक्सो वेस्ट। दोस्तों आपने आयरन मैन सीरीज में देखा होगा कि किस तरीके से टोनी स्टार्क भारी भरकम चीजों को उठा के यूं ही पटक देता है, लेकिन आम इंसान के लिए ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें इस गैजेट की, तो दोस्तों ये फ्यूचरिस्टिक गैजेट आपको काफी ज्यादा एंटरटेन करेगा, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी ही पावर्स होती है। हालांकि दोस्तों ये नॉर्मल लोगों के लिए किसी काम का नहीं होता, क्योंकि इसे खास तौर पर बनाया गया है ऐसे लोगों के लिए जो कि बहुत भारी भरकम चीजों को उठाते हैं, क्योंकि नॉर्मल आदमी तो इस तरीके की भारी चीजों को नहीं उठा सकता। लेकिन इस गैजेट की मदद से आपको काफी ज्यादा पावर मिलती है, जिससे कि आप चीजों को आसानी से उठा पाए। दोस्तों एक तरीके से ये आपकी मसल्स को पूरी तरीके से ताकत देता है, जिससे कि किसी भी तरीके का फिजिकल डैमेज आपकी बॉडी पर ना हो, और साथ ही साथ ये एक तरीके का पूरी तरीके से सपोर्ट सिस्टम बनाए रखता है आपके ऊपर, जिससे कि आप भी मैकेनिकल काम वगैरह आसानी से कर सकें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये गैजेट, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 8, फायर फाइटिंग रोबोट। दोस्तों फायर फाइटिंग एक बहुत ही मुश्किल जॉब होती है, और बहुत लोगों की जान भी चली जाती है इस काम में, लेकिन इस चीज को कम किया जा सकता है बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से। दोस्तों अगर हम इस्तेमाल करें इस तरीके के रोबोट्स का जो कि वाटर कैनन को आसानी से हैंडल कर सके, तो शायद बहुत ज्यादा सहूलियत रहेगी। क्योंकि कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर ब्लास्ट होने की भी संभावना रहती है, और वहां अगर कोई इंसान जाता है तो उसकी जान पूरी तरीके से रिस्क में रहेगी। लेकिन इस गैजेट की मदद से ये काम आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल ये एक रोबोट होता है, इसकी जान का कोई भी खतरा नहीं होता। इसकी मदद से वाटर कैनन को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, और वहाँ पर इन्हें पहुँचाया जा सकता है जहाँ पर पानी की सख्त जरूरत हो। दोस्तों अगर हम बात करें, ये एक रोबोटिक कंट्रोल्स के साथ आता है, जिसे आप दूर से कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको इसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी तरीके से रिमोटली ऑपरेटेड रहता है। तो इस तरीके का कमाल का गैजेट हो सकता है फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल अभी आपको रास्ते में फायर फाइटर्स ही देखने को मिलते हैं जो कि अपनी जान पर खेलकर आग बुझाते हैं। तो दोस्तों ऐसे फायर फाइटर्स के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, फ्लाइबोर्ड एयर। दोस्तों वैसे तो इंसान के लिए उड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों इस गैजेट के इस्तेमाल से ये काम आसान बनाया जा सकता है। दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें रोटर फैंस लगे होते हैं, जिसकी मदद से आसानी से इंसान इस पर खड़ा होकर उड़ सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें इस गैजेट की, तो इसे खास तौर पर फोर्ड ने तैयार किया है। इसके साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, जहां पर इस डिवाइस के आपके पूरे कंट्रोल रहेंगे। इसकी मदद से आसानी से इंसान फ्लाई कर सकता है, लेकिन फिलहाल अभी इसे कॉमर्शियली यूज करने की परमिशन नहीं है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको इस तरीके के गैजेट आसमान में उड़ते हुए जरूर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं, जिसके बाद ये गैजेट काफी ज्यादा कमाल का हो जाएगा। तो दोस्तों इस आने वाले गैजेट के लिए दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। नंबर 5, DJI MG1S एग्रीकल्चरल ड्रोन। दोस्तों ड्रोन्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा आजकल किया जा रहा है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वगैरह के लिए, लेकिन क्या इनका यूज सिर्फ इसी जगह तक सीमित हो जाता है, या फिर ये आम आदमी की जिंदगी में भी कुछ इंटरफेयर कर सकता है? तो दोस्तों ये गैजेट देखकर आपको वाकई विश्वास हो जाएगा कि ड्रोन हमारे लिए वाकई आजकल कितना ज्यादा मायने रखने लगा है। दोस्तों ये एक ऐसा ड्रोन होता है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर खेती वगैरह में किया जा सकता है। दोस्तों इसमें एक लिक्विड टैंक लगा होता है, जहां पर आप सॉल्यूशन वगैरह को डाल सकते हैं, यानी कि किसी भी कीटनाशक वगैरह को, और जब इसमें डालकर आप इसे अप्लाई कराते हैं, तो ये पूरी तरीके से
ऑटोमेटेड रहता है। आप इसमें बस अपना फील्ड का एरिया सिलेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद ये खुद ब खुद पूरे में आपका छिड़काव कर देता है। लो एल्टीट्यूड होने की वजह से काफी देर तक हवा में रह सकता है। उसमें एडवांस सेंसर्स लगे होते हैं जो कि पूरी फील्ड में अच्छे से छिड़काव करते हैं। तो एग्रीकल्चर को एडवांस बनाने के लिए ये काफी ज्यादा बेहतरीन हो सकता है, जिससे कि घंटों का काम मिनटों में किया जा सकेगा। तो दोस्तों, हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको इस तरीके के गैजेट्स देखने को मिल जाएं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग के किसान देसी तरीकों का ही इस्तेमाल करते हैं छिड़काव वगैरह करने के लिए। तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। इलियास 2 इंडोर इंस्पेक्शन ड्रोन। दोस्तों, ड्रोन्स का इस्तेमाल तो अलग अलग जगह किया ही जा सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां पर इंसान की लाइफ बहुत ही हाई रिस्क पर चली जाती है, जैसे कि चिमनीज वगैरह हो गई या फिर ऑयल टैंकर्स वगैरह होते हैं, जहां पर मैनुअल इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन यहां पर मैनुअल इंस्पेक्शन उतना ज्यादा आसान भी नहीं होता जितना हमें लगता है, क्योंकि इसमें इंसान की लाइफ हाई रिस्क पर रहती है और कभी भी जान जा सकती है किसी की भी। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर भी किया जा सकता है जो कि बहुत टफ सिचुएशंस होती हैं। ये एक ऐसा ड्रोन होता है जो कि एक कैबिनेट के अंदर बंद आता है। ये एक पूरा नेट कैबिनेट होता है जिसमें हाई डेफिनेशन कैमरास लगे होते हैं। वहीं इसमें सेंसर्स भी काफी रखे जाते हैं, जिससे कि ये पूरी तरीके से सावधानी से चीजों को इंस्पेक्ट कर पाए और पूरी रिपोर्ट आपके मोबाइल फोन या फिर इसके कंट्रोलर तक देता है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ पाए। तो इस तरीके का गैजेट इंसानी होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकता है, वहीं दोस्तों ये समय की भी बचत करता है, जिससे कि घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं इस छोटे से ड्रोन की मदद से। तो दोस्तों, इस तरीके के फ्यूचरिस्टिक गैजेट के लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है। नंबर 3, स्मार्ट फ्लावर। दोस्तों, सोलर एनर्जी हमारे लिए एक ऐसा सोर्स होता है जिसके लिए हमें कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते, यानी कि आप जब चाहें जहां चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो अगर आप भी अपने घर में सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने की सोच रहे हो तो एक बार इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। नॉर्मली तो ऐसा होता है कि सोलर पैनल एक जगह फिक्स कर दिए जाते हैं और जब धूप होती है तो वो शुरुआत में तो उन पर बहुत तेजी से पड़ती है, लेकिन धीमे धीमे उसका एंगल बदल जाता है और फिर वो पैनल उतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, इस तरीके के गैजेट में बहुत ही ज्यादा एडवांस फीचर्स डाले गए हैं, जिससे कि सनफ्लावर नेचर को फॉलो करता है। जिस तरीके से सनफ्लावर सन की डायरेक्शन के हिसाब से चारों तरफ मूव कर सकता है, ये पैनल भी कुछ उस तरीके से बनाए गए हैं कि ये भी धूप के हिसाब से ठीक उसी हिसाब से मूव करते रहेंगे। वहीं दोस्तों, ये सुबह के समय अपने आप एकदम अनफोल्ड होकर तैयार हो जाएंगे और रात के समय जैसे ही धूप खत्म हो जाएगी तो ये अपने आप फिर से पैक हो जाते हैं, जिससे कि सिस्टम बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। वहीं दोस्तों, इसमें ऑटोमेटेड क्लीनिंग के भी ऑप्शन दे रखे होते हैं, यानी ये पैनल ओपन होने से पहले खुद ब खुद एकदम साफ हो जाते हैं, जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिले। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने घर में सोलर पैनल को इंस्टॉल कराना है, तो मेरे हिसाब से ये गैजेट एकदम परफेक्ट ऑप्शन रहता है। नंबर 2, एरो मोबिल। दोस्तों, आपने जमीन पर दौड़ती हुई कार तो हमेशा देखी होंगी, लेकिन अगर हम बात करें फ्यूचर की तो हो सकता है आपको कुछ ऐसी कार्स भी देखने को मिल जाए जो कि हवा से बातें करने के साथ साथ आपको हवा में उड़ती हुई भी दिखाई दे। तो ये कार भी कुछ ऐसे फ्यूचर कॉन्सेप्ट पर रहती है जो कि आसानी से हवा में भी उड़ पाएगी। दोस्तों, इसकी डिजाइन भी कुछ ऐसा एरोडायनामिक डिजाइन दी गई है जो कि आप जमीन में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं पर जल्दी पहुंचना हो तो आप इसके विंग्स को ओपन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक एयरक्राफ्ट के जैसे भी। दोस्तों, इसे उड़ाने के लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड रनवे की जरूरत नहीं पड़ती, आप नॉर्मली ही इसे थोड़ी सी स्पीड देकर फ्लाई करा सकते हैं। वहीं उतरने के लिए भी आप इसे नॉर्मल जमीन पर ही उतार सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से सेफ रहता है। हालांकि इसे चलाने और उड़ाने के लिए आपका स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो हो सकता है आपको इसे इस्तेमाल करने से पहले हल्की फुल्की ट्रेनिंग लेनी पड़े, लेकिन इसका सफर वाकई काफी ज्यादा मजेदार रहता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस कार के शेप की, तो दोस्तों इसके विंग्स को आप पूरी तरीके से फोल्ड कर पाएंगे, यानी कि आप जब नॉर्मल रोड्स पर इसे चला रहे होंगे तो ये एकदम सिंपल कार लगती है, लेकिन फ्लाइंग टाइम में इसके विंग्स ओपन हो जाते हैं, जिससे कि आप आसानी से इसमें उड़ान भर सकें। तो इस तरीके का गैजेट हो सकता है फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, इस तरीके की फ्यूचरिस्टिक गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखे एक से बढ़कर एक कमाल के गैजेट। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अपने इस टॉप गैजेट के बारे में, तो ये सबसे ज्यादा जो है बेहतरीन रहता है। तो इसके देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन है नंबर 1। नंबर 1, P+ स्मार्ट पार्किंग सिस्टम। दोस्तों, आजकल शहरों में एक चीज देखी जा रही है कि पार्किंग की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो अगर आपकी भी सोसाइटी में ऐसा कुछ होता हो तो आप इस तरीके की स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम होता है जो कि आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, और अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज की तो यहाँ पर तो इसकी जरूरत बहुत ही ज्यादा रहती है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एक ऐसे ऑटोमेटेड पार्किंग स्टेशन के तौर पर, जहाँ पर आपको अपनी कार पार्क करने में वाकई काफी ज्यादा अलग सा फील होगा। दोस्तों, ये एक ऐसी एडवांस लिफ्ट होती है जहाँ पर आप अपनी कार को जाकर खड़ा कर देते हैं,
जिसके बाद ये खुद ब खुद उसे ऊपर उठाकर लिफ्ट कर देती है, जिससे कि आपकी कार पूरी तरीके से सेफ रहेगी। और जब आप अपनी कार को बाहर निकालना चाहते हैं तो इसमें आप अपनी कार एंटर करिए, जिसके बाद ये लिफ्ट रोटेट होना शुरू होती है और आपकी कार को एकदम नीचे उतार देगी। तो इस तरीके का कमाल का मैकेनिज्म हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको शहरों में देखने को मिल जाए, जो कि काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके के गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है। वहीं दोस्तों इसके बारे में अगर आप और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर इनमें से दिखाए गए किसी भी गैजेट को आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।